अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक ट्रेडर्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन और रिव्यू करने जा रहे हैं वो पी लिंक कंपनी का राउटर है, जिसका मॉडल है LK941R। सिंगल बैंड राउटर है जो कि 2.4 GHz पर आपको 300 MB/s स्पीड फ्राहम करता है। दोस्तों ये एक लाइट वेट राउटर है और प्राइस के हिसाब से ये बजट फ्रेंडली राउटर है। वाईफाई सिग्नल को बूस्ट करने के लिए इस राउटर पर दो एंटीने दिए गए हैं। एक नॉर्मल घर या ऑफिस में नेटवर्किंग के हवाले से राउटर बेहतरीन वर्किंग करता है। इस राउटर में एक वैन पोर्ट दी गई है और चार इसकी लैन पोर्ट्स हैं। इस राउटर पर पावर की लाइट दी गई है, वायरलेस की लाइट है, वैन की लाइट दी गई है। इसके अलावा चार लैन पोर्ट्स की लाइट भी दी गई है। इस राउटर की पावर सप्लाई 12V 1A की है। इस राउटर को रीसेट करने के लिए बैक साइड पे रीसेट का बटन भी दिया गया है। इस राउटर की बाकी कॉन्फ़िगरेशन हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे राउटर का डिफॉल्ट IP लगाएंगे जो कि 192.168.1.1 है। राउटर का मेन पेज है पी लिंक का। यहाँ पे सेटअप की ऑप्शन है, एडवांस की ऑप्शन है। सेटअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे वैन सेटिंग दी गई है, उसको आप क्लिक करेंगे। अगर आप TPPO का अकाउंट डायल करना चाह रहे हैं तो यहीं से आप TPPO पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अपने TPPO का अकाउंट डायल कर देंगे। इसको आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपका TPPO का अकाउंट डायल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्टेट IP पे चलाना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके पास दी गई है। ऑटो कन्फिगर करना चाह रहे हैं तो ये डायनामिक IP पे ऑटो कन्फिगर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे वायरलेस सेटिंग है, यहाँ पे वायरलेस का नाम चेंज किया जा सकता है और नीचे इसका पासवर्ड चेंज किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एडवांस सेटिंग्स हैं। यहाँ पे मैन की सेटिंग्स लिखी हुई हैं, वही जो सेम हमने पहले की हुई है। वायरलेस सेटिंग्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम वायरलेस पर अपना वाईफाई का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी की ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, वाईफाई की सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी वाईफाई का पासवर्ड चेंज करने की। इसको अप्लाई कर देंगे तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। एक्सेस कंट्रोल की ऑप्शन है, WDS की ऑप्शन है। यहाँ पे आप इसको ब्रिज मोड पर भी अपने इस राउटर को किसी भी राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। स्कैन की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके राउटर के करीब जितनी भी वाईफाई होंगे उनके सबके सिग्नल यहाँ पे आ जाएंगे। आप किसी भी डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह WPS की ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से इनेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे तो कोई भी डिवाइस अपने पिन के जरिए अपने अपने राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फायरवॉल की ऑप्शन दी गई है, इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। QoS की ऑप्शन है, यहाँ पे आप किसी भी बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं। मैनेजमेंट की ऑप्शन है, यहाँ पे एडमिन वाला पासवर्ड भी चेंज किया जा सकता है। टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपने रीजन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से। यहाँ पे आप टाइम जोन में टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीमवेयर के बारे में बताया जा रहा है। वैन की ऑप्शन है, CPU लोड का बता रहे हैं, मेमोरी यूज जो हो रही है वो बता रहे हैं, लैन इन्फॉर्मेशन का बता रहे हैं जिसमें IP एड्रेस वगैरह है। मैनेजमेंट की ऑप्शन में आपको फ्रेमवेयर के अपडेट करने की ऑप्शन भी मिल जाती है। यहाँ पे फ्रेमवेयर पर आप क्लिक करेंगे, इस राउटर का फ्रेमवेयर डाउनलोड करेंगे और यहाँ से चूज़ की फाइल पर क्लिक करेंगे। जहाँ आप फ्रेमवेयर डाउनलोड करेंगे वो लोकेशन देंगे और यहाँ से अपग्रेड कर देंगे तो आपका फ्रेमवेयर। बैकअप सेटिंग की ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने इस राउटर का बैकअप बनाकर अपने PC या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, बाद में इसको रिस्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स की ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आप जीरो सेटिंग पे ला सकते हैं अपने राउटर को। रीबूट की ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने राउटर को किसी भी वक्त आप रीबूट कर सकते हैं। इस राउटर का फ्रेमवेयर डाउनलोड करेंगे और यहाँ से चूज़ की फाइल पर क्लिक करेंगे। जहाँ आप फ्रेमवेयर डाउनलोड करेंगे वो लोकेशन देंगे और यहाँ से अपग्रेड कर देंगे तो आपका फ्रेमवेयर अप टू डेट हो जाएगा। रीबूट की ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने राउटर को किसी भी वक्त आप रीबूट कर सकते हैं। टूल्स दिए गए हैं, यहाँ पर पिंग चेक कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट की आप पिंग वगैरह यहाँ से आसानी के साथ चेक कर सकेंगे। यहाँ पे मोड की ऑप्शन में आप इसको ब्रिज बना सकते हैं, गेटवे पे और AP क्लाइंट भी इसको बना सकते हैं। दोस्तों ये ऐसे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन थी जो हमने आपके सामने की है। अगर आप ये राउटर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट का विजिट करें। हमारी वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फ़ोन पर रब्ता करने के लिए हर वीडियो के एंड पे हमने मोबाइल नंबर दिया गया है, तो आप हमसे फ़ोन पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।